जय जिनेन्द्र। मैं शिवांगी आत्मा चैनल पर प्रसारित धार्मिक समाचार देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज के धार्मिक व सामाजिक समाचार इस प्रकार हैं। पंजाब शेरनी परम पूज्य साध्वी श्री प्रमोद श्री जी महाराज साहिब जी की सुशिष्याएं साध्वी श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहिब थाने 3 लुधियाना के दरे से स्थित धर्म कमल हॉल में चातुर्मास हेतु विराजमान है। इस मौके पर सभी साध्वी भगवंतों ने मंगलमय पाठ एवं प्रवचन किए। लुधियाना से सोनू की रिपोर्ट। श्रम संघीय मंत्री श्री आशीष मुनजी महाराज साहिब, तत्व चिंतक श्री उत्तम मुनि जी महाराज साहिब थाने 2 एवं उप परिवर्तनी महासती श्री सुमन कुमार जी महाराज साहिब जी के सुशिष्य जिन शासन ज्योति साध्वी श्री गीता जी महाराज साहिब, मधुर गायिका श्री सलोनी जी महाराज साहिब, ओजस्वी वक्ता श्री प्रीति जी महाराज साहिब, विद्याभिलाषी श्री वर्णिका जी महाराज साहिब थाने 4 SS चयन सभा सिविल लाइन्स में विराजमान है। आज सभी भक्तों ने महाराज साहिब जी के दर्शनों एवं प्रवचनों के लाभ लिए। रास्ते में पड़ा हुआ बेडोल पत्थर, ऊंचा पत्थर या ऊपर से गिर के आ गया या वहीं पर उभरा हुआ ऊंचा पत्थर, और जो उसमें पता नहीं कितने को ठोकर लग गया, पता नहीं कितने एक्सीडेंट होकर के गिर गए, लेकिन किसी का भी ध्यान उसकी तरफ और नहीं जाता उसको हटाने का। उधर से एक कारीगर जे क्या कर रहा था, निकल रहा था, और ये रास्ते में पड़े हुए पत्थर को देख करके उसके दिमाग में आ गया, यार इसमें से बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत मूर्ति जे क्या की जा सकती है, तैयार की जा सकती है। और घन और छेना लेकर के लोहे का वो गल लंबा, उसको पलटा खिला करके ताकत लगाते इधर से सहारा दिया गल का सहारा, और करते करते उसको रोड के किनारे तक उसको जे क्या हुआ, और जे किसी का साथ सहारा लेकर के गल का सहारा लेकर के किनारे पर जे पहुंचाया। और उसके बाद अपनी घन और छेनी को लेकर के उसको जे क्या किया, तरासने शुरू कर दिया, तरासता चला गया, इधर से उधर से। आप में से कितने जने कर्नाटक में गए होंगे,
और जे श्रमण बेलगोला बाहुबली की मूर्ति को आप लोगों ने देखा होगा, और जे कर्नाटक के ही आए हुए केजीएफ से आए हुए भाई सोहनलाल जी बोरा और महावीर जी छल्लानी आपके बीच में यहाँ पर बैठे हैं, वो कर्नाटक में ही उधर रहते हैं। हमें भी दो बार और जे वहाँ पर श्रमण बेलगोला में जाने का मौका मिला। वहाँ पर जा कर के उस पहाड़ी में ऊपर चढ़ कर के बैठ कर के इधर उधर घूम कर के बहुत बारीकी से और जे वहाँ पर देखा कमाल है, और जे 1000 वर्ष से ऊपर हो गया है उस मूर्ति को बनाए हुए और जे तराशे हुए। लुधियाना से सोनू की रिपोर्ट। वंजली रिजॉर्ट में श्रीमती मधु सचदेवा की अध्यक्षता में तीज का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके सभी मुटियारे पंजाबी वेशभूषा में सजी हुई नजर आईं, जिन्होंने पंजाबी सभ्याचार को दर्शाया। इस मौके उन्होंने तीज के त्यौहार के महत्व पर झलक डालते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। लुधियाना से सोनू की रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा लोगों को एलिवेटेड रेलवे ट्रैक की सौगात दी गई। इस मौके मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा डिजाइनिंग कार्य का शुभारंभ किया गया। इस प्रोजेक्ट के लिए सोयल टेस्टिंग और डिजाइनिंग का कार्य सिविल बाबा कंपनी को सौंपा गया है, और यह कंपनी आगामी 3 महीनों में यह कार्य पूरा करेगी। इस प्रोजेक्ट संबंधी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने क्या कुछ बताया, आइए जानते हैं। बन रहा है और पूरा होने वाला है, अगले वर्ष जनवरी फरवरी 2020 तक पूरा हो जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए बाकी शहरों में भी इस प्रयोग को आगे बढ़ाने की जब बात आई तो उसके बाद अगला स्थान में कुरुक्षेत्र में ध्यान में आया कि अब 5 रेलवे फाटक हैं, इनको बंद करते हुए सड़क नीचे से रहे और एलिवेटेड रेलवे लाइन लगभग 5 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, 225 करोड़ रुपये का खर्च इसमें आएगा, और ये एक स्पेशल व्हीकल, जो स्पेशल पर्पज व्हीकल हमने। कुरुक्षेत्र से सुनील कुमार की रिपोर्ट। लुधियाना के किड्स पैराडाइज स्कूल में आज छोटे छोटे बच्चों द्वारा जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके छोटे छोटे बच्चे कृष्ण, सुदामा, राधा, गोपिया आदि के रूप में सजे हुए मनमोहक लग रहे थे। इस अवसर पर स्कूल की डायरेक्टर श्रीमती इंद्रजीत कौर ने जन्माष्टमी की बधाई देते हुए भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन पर रोशनी डाली। किडीज पैराडाइज स्कूल विच छोटे छोटे बच्चों ने कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े खुशियां चावं मलारा ते बहुत ही रूहानियत ढंग नाल मनाया है। छोटे छोटे बच्चे कृष्णा, राधा, गोपियां, सुदामा दे रूप विच सज के उन्होंने सानू अज अपनी कृष्ण लीला याद दवा दिती है। बांसरी हाथ विच फड़ के उन्हां दा ते अज एहो जिहा अद्भुत अलौकिक नज़ारा सी कि अपने आप ही श्री कृष्ण जी दे अगे साडा शीश नमस्कार हो जाता है। छोटे छोटे बच्चों ने कृष्णा जी दे कार्ड्स बनाए, उन्होंने रज के वो मेरा कृष्णा है, कृष्णा कृष्णा है ते पूरी रास लीला पेश की। गोपियां ने भी अज उन्होंने नाल नच नच के वो मेरा काना है, वो मेरा काना है दे संगीत ते अज धुना मचा दिती। स्कूल दा कैंपस भी असी ओसे ही ढंग नाल सजाया होया। लुधियाना से विकास भामरे की रिपोर्ट। शाहकोट के साथ लगते गांव बिल्ली चाऊ में गांव वासियों ने ग्राम पंचायत द्वारा किए जा रहे कामों की श्लाघा की। इस मौके गांव की रहने वाली महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि जब भी बरसात होती थी तो गुरुद्वारा साहिब के चारों दिशाओं में पानी भर जाता था और रास्ते ब्लॉक हो जाते थे। नजदीकी रहते लोगों के घरों में बरसात का पानी पहुंच जाता था, जिसके कारण लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, परंतु अब इस समस्या से निजात मिल चुकी है। इस मौके लोग नई ग्राम पंचायत के कामों से खुशी जाहिर करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आप भी सुनिए। गुरुद्वारा साहब दे विच जो मीह पैंदा सी ना लागे लागे पानी महीना महीना खड़ा रहिंदा सी, पंचायत ने बहुत सोहना उपराला किया, जिहड़ा छप्पर कढ़ा दित्ता आ पानी खड़ता नहीं, गुरुद्वारे संगत पूरी आउंदी
संगत भी सारी खुश है। गुरुद्वारे साहब लागे पानी बहुत खड़ता है। असीं सारे खुश हैं। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲੀ ਚੌਕ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਜੋ ਬਣੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛੱਪੜ ਆ ਜੀ, ਛੱਪੜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਖੱਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਛੱਪੜ ਦੀ ਜੋ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਰਸਤੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਔਰ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕਾ ਸਤਰ ਬੜਨੇ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਨੇ ਲਗੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਮੇ ਭਰੇ ਪਾਣੀ ਕਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉੱਤਰੀ ਮੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਜਹਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਆਪਦਾ ਬਤਾਇਆ ਤੋ ਵਹੀ PAP ਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹਾਲਾਤੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਸਥਾਨੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਓ ਨੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉੱਪਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਵ ਦੋਨੋਂ ਪਕਸ਼ੋ ਮੇ ਆਰੋਪਬਾਜੀ ਹੋਣੇ ਲਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਆ ਗਿਆ ਥਾ ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪਰ ਲੇਤੇ ਹੋਏ ਬਾੜ ਕੀ ਚਪੇਟ ਮੇ ਆਏ ਹੋਏ ਗਾਓ ਕੋ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹੀ। ਵਹੀ ਸਥਾਨੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਓ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿਰਫ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਜਾ ਰਹਾ, ਖੇਤਰ ਮੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲੋਗੋ ਕੇ ਲਿਏ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਹੁਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੀਤਾ ਬਰੁੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਇਲਾਕਾ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਡੁੱਬਣਪੁਰੀ ਇਲਾਕਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਇਹਦੀ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲਰ, MLA, MP ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, DC ਸਾਹਿਬ, ਕਾਰਪੋ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ ਪਰਸੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ। ਖਬਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ MLA ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੋਈ DC ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲੇ ਦਾ ਆ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਸੀਵਰੇਜ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਕਦੀ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਿਚਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਈਏ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ 2 ਵਾਰੀ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸ਼ੰਕਰਪੁਰੀ 'ਚ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ, ਮੇਰਾ ਜਿੰਮਾ ਜੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿੰਮ ਪਾਣੇ ਬੰਦ ਪਿਆ ਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਪੂਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਡੁੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਉਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਪਏ ਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠਦੇ ਬੋਲਦੇ। ਵਰਗੇ ਮਾਡਰਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੱਬ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੰਦਗੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ, ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਅਫੈਕਟਡ ਨੇ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 85-86 ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਆ,
लोग कंप्लेंट के दे साडे घरां दे विच आ चुका। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में रविदास मंदिर को तोड़े जाने से नाराज दलित समाज के लोगों द्वारा रामलीला मैदान में विशाल प्रदर्शन करने के बाद जब तुगलकाबाद पहुंचे तो वहां पत्थरबाजी शुरू हो गई। लोगों की पत्थरबाजी के जवाब में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने भी कई राउंड फायरिंग की। इसके बाद यहां हिंसा भड़क उठी। इस हिंसा में 15 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए जबकि दर्जनों गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। बुधवार रात हुई हिंसा के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण समेत अब तक 91 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहां पर पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सों को भी तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए सभी 91 आरोपियों पर दंगा फैलाने, सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया है। आज सभी आरोपियों को गुरुवार को साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। आज ILF प्राइवेट लिमिटेड द्वारा परमिंदर सिंह और अमन ब्रांड की अगुवाई में स्टडी अब्रॉड अवेयरनेस वर्कशॉप सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें 50 के करीब लोगों ने विदेशों में पढ़ाई करने व पक्के तौर पर वहां सेटलमेंट होने संबंधी जानकारी प्राप्त की। अज का जिहड़ा सैमीनार है ये साडा एक एजुकेशन अवेयरनैस ते जिहड़े स्टडी अब्रॉड दे लई स्टूडेंट्स जाना चाहुंदे आ उन्हां दे लई एक सैशन सीगा जिहदे विच उन्हां नूं यूके यूएसए कैनेडा ते हंगरी दे कुछ इंस्टीट्यूशनस ने जिन्हां ने विजिट करके गाइडेंस दित्ती आ। एडमिशन क्राइटीरिया बारे दस्या गया। अप्रोक्सीमेटली मोर दैन 50 स्टूडेंट्स विजिट करके अपनी इंडिविजुअल गाइडेंस लैके गए आ जिन्हां ने अपने कोर्सेज करियर बारे सारी गाइडेंस लई है। उस तो बाद सैटलमेंट ऑप्शनस बारे डिस्कस किया। इस मौके साढ़े को मिस्टर चिराग जो कि एम स्केयर मीडिया के जनरल मैनेजर ने उन्होंने प्लस इंडिविजुअली हर एक पार्टीसपेटिंग इंस्टीट्यूशन के रिप्रजेंटेटिवस ने विजिट किया जिन्होंने बच्चों इंडिविजुअली इंटरैक्ट करके गाइडेंस दी है। चिराग है और मैं एम स्क्वायर से हूँ और आज हम यहाँ पे ILF के साथ एक सेमिनार और सेशन करने आए हैं जहाँ पे उन्होंने अवेयरनेस इवेंट रखा है। एंड वी हैव आवर टीम्स हियर, हमारे जो इंस्टीट्यूशन हैं उनके टीम एंड रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया। लुधियाना से विकास भांबरे की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं शिवांगी कल फिर हाजिर होंगी कुछ नए धार्मिक व सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप जुड़े रहें आत्मा चैनल के साथ। जय जिने।